जी गुड मॉर्निंग। और एक नई सुबह और एक नया दिन। आज का दिन हो गया सबसे बेहतरीन लाइक नेवर बिफोर। हाँ यही सोचकर बैकपैक करके निकल तो जाता हूँ, अता पता कुछ होता नहीं है। दो बार लिफ्ट लेकर जीरो पहुँच तो जाता हूँ। मुझे क्या पता था बारिश मेरा इंतज़ार कर रही है। ढूंढ ढूंढ के ये जगह आ जाता हूँ। जहाँ से मैं चल के जा रहा हूँ ना, ये रोड देख के आपको पता चल गया होगा सुबह सुबह भी जो है कितनी भयंकर बारिश हुआ है। रोड पूरा उखड़ गया भाई, होके निकल गया है पूरा। तो अभी जो है कुछ सोच रहा था कि किसी विलेज में चला जाऊँ, पर अभी पॉसिबल है नहीं। बहुत ज़ोर से बारिश आ रहा है, हर दो मिनट में दो मिनट बाद यहाँ पे बारिश आ रहा है ज़ोर से। सो सुबह से बारिश हो रहा है, लोग जो है गाँव के सभी जो है अपने घर के अंदर है। तो कहीं अगर जाना हुआ, किसी को कुछ पूछना पड़ेगा नेविगेशन के किस तरफ जाना है। जब भी आया हूँ नॉर्थ ईस्ट में, तो जब से आया हूँ सोचता हूँ कि सुबह होते ही जो है कहीं पे निकल जाऊँगा, पर कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाता है कि कुछ कर नहीं पाता हूँ। रात को एडिट करते करते लेट हो गया, सुबह को उठते फिर से थोड़ी आधा घंटा एक घंटा लेट हो जाता है और तभी मैं फंस जाता हूँ। देख रहे हो भाई, सुबह को जो है 8 बजे तक अच्छा खासा धूप था, 9 बजते यहाँ पे हालत ख़राब, इतनी खतरनाक बारिश हो रहा है। अभी रेस्ट ऑफ इंडिया में जो है बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगा। अभी क्या नज़ारा है, कल जब सुबह होगा ना, सुबह उठते ही जो है जब आँख खुलूँगा जीरो वैली दिखाई देने वाला है। सुबह सुबह ना उठने का और लेट नाइट सोने का जो नतीजा है और जिसका जो सज़ा जो है मैं आज भुगतने वाला हूँ, वो ये है कि मुझे 7-8 घंटा एक जगह पर आज बैठे रहना पड़ेगा। पर ये जो नज़ारे हैं ना, इसके आगे सब कुछ फीका है। बैठा रहूँगा और जो मौसम है उसे एंजॉय करता जाऊँगा। बड़ा मज़ा आ रहा है भाई, ऊपर से बारिश जो है हर 2 मिनट में बड़ी भयंकर बारिश आ रहा है। पानी के लिए ये देख रहे हो पाइप, आगे जाके वहाँ पे एक छोटा सा टैब है, वहाँ से पानी मिल जाएगा मुझे। ये देखो सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, वेटनरी डिस्पेंसरी है ये जीरो वैली का। सो आज रात जो है शायद मुझे यही काटना पड़ेगा आई होप, और दिन भर जो है आज मैं यहीं पे बैठा रहूँगा। जो कोई भी जीरो आ रहे हो तो हमेशा याद रखना कि मंडे के दिन जो है जीरो वैली बंद रहता है। ज़्यादातर लोग जो है दुकान बाज़ार सारे जो है यहाँ पे क्लोज रहता है, लोग छुट्टी पे रहते हैं उस दिन। सिर्फ 3 ही चीज़ जो है यहाँ पे खुला मिलेगा, वो है एक होटल, खाने पीने का होटल बोल रहा जो है ओपन रहता है यहाँ पे, जो रहने का लॉजिंग फूडिंग का, और बाकी एक पेट्रोल पंप और मेडिसिन स्टोर। 3 ही चीज़ जो है आपको खुला मिलेगा। रास्ते में लोग जो है वो भी रेयर देखने को मिलता है। अभी धूप निकलने वाला है पर धूप कहीं आसपास नज़र नहीं आ रहा है भाई। दिन का कुछ 2 बजने वाला है, 2 घंटे के आसपास हो चुका है यहीं पर बैठा हूँ। और बारिश जो है, बहुत सारे गांव हैं जीरो के पास जो है जीरो वैली में निकलना है। ये देख रहे हो यहाँ से लेकर ये पहाड़ है ऊपर तक, इतना दूर तक नज़र जा रहा है ना, यहाँ से लेकर वो यहाँ तक। फिर हर तरफ जो है जिस तरफ देखोगे गांव ही गांव है। पहाड़ के अंदर बड़ी सुंदर सुंदर छोटे छोटे गांव दिखाई दे रहे हैं। मन कर रहा है अभी जाने का, लेकिन अभी ऐसे हालत में मैं फंस गया हूँ। अभी अगर निकल जाऊँगा, रास्ते में अगर बारिश आ जाएगा तो पूरी तरह भीग जाऊँगा मैं, मेरे पास जुगाड़ है नहीं। पता है हंस के रहा क्या करूं भाई, कोई आसपास है नहीं, कोई भी नज़र नहीं आ रहा, इतनी ठंड है, ऊपर से बारिश हो रहा है, घर से कोई निकल नहीं रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है किसी को कुछ पूछूं। तो पिछले 3-4 घंटे से जो है यहीं पे बैठा हूं और ट्रैवल करते हुए ना आज सबसे ज़्यादा बोरिंग हो गया हूं। क्यों पता है, एक जगह पर बैठना पड़ा है, 3-4 घंटा हो गया एक ही जगह पर बैठा हूं। सबसे ज़्यादा बोरिंग चीज़ क्या होता है पता है लाइफ में, एक जगह पर चुपचाप बैठे रहना भाई, उससे ज़्यादा बोरिंग कुछ होता ही नहीं। सो ऐसा ही कुछ हाल हो गया है पिछले 4 घंटे से यहीं पर बैठा हूं और बैठ के आज भाई पहली बार बोर हो गया हूं। शाम 5 बजे का जीरो का नज़ारा, बारिश जो है का जो तेज़ है वो बढ़ते हुए जा रहा है, लेकिन एक ही चीज़ मन में खल रहा है, ठंडा तो उतना ज़्यादा है नहीं, थोड़ी बहुत हवा होने लगा है। अगर ज़्यादा ज़ोर से हवा हुआ ना, ऊपर जो देख रहे हैं ये इतना बड़ा नहीं है, तो पानी जो है अंदर तक आ जाएगा। अगर अंदर पानी आएगा तो रात को मुझे सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, पानी वहाँ तक आ जाएगा। शाम का 7:30 बजा है, आज संडे है, खाने के लिए कुछ यहाँ पर मिला नहीं है और टेम्परेचर जो है यहाँ पर 19 डिग्री के आसपास है और रात को दिखा रहा है यहाँ पे 12 से 14 डिग्री के अंदर चला जाता है। सो अभी तो टेंट जो है मैंने लगा दिया है, ये देखो भाई। बैग में ढूंढा तो एक पैकेट बिस्किट मिला है, उसी को फ़िलहाल खाऊंगा और पानी है खा के सो जाऊंगा।
मिलेंगे सुबह को। आई होप जो है सब कुछ सेफ रहेगा, क्योंकि पिछले 2 महीने के आसपास अरुणाचल के अंदर घूम रहा हूँ, आज तक तो बैड एक्सपीरियंस कभी हुआ नहीं है, आई होप आगे भी कभी होगा नहीं। मिलते हैं सुबह को, गुड नाइट। सात ही बजा है, सुबह को उठ गया था 5 बजे। 5 बजे उठ के देख रहा हूँ जो है बहुत ही ज़्यादा ड्यू था यहाँ पे, और वैली दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा चारों ओर जो है सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। सो हाँ जी, गुड मॉर्निंग, और एक नई सुबह और एक नया दिन। आज का दिन होगा सबसे बेहतरीन, लाइक नेवर बिफोर। आउटडोर में सोने का एक्सपीरियंस अगर पूछो तो रात भर यहाँ पे बारिश हो रहा था, तो ऊपर जो है शेल्टर की तरह है, घर था, घर के नीचे मैं सोया हुआ था, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। और अगर एक्सपीरियंस पूछोगे तो बहुत अच्छा था भाई, बहुत अच्छा था, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा। आज तक मैं जितनी जगह पे कैंपिंग किया हूँ सबसे अच्छा ये जगह लगा मुझे। और रात को अच्छा खासा नींद हुआ है भाई, देख रहे हो आँख खुल नहीं रहा है, इतना अच्छा नींद हुआ है। सो ये रहा जीरो वैली, और पता नहीं अभी धूप खिल रहा है, 2 मिनट बाद फिर बारिश भी आ जाए यहाँ पे। यहाँ का वेदर जो है अनप्रिडिक्टेबल है, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, जो मेजोरिटी ऑफ जो पीपल है यहाँ का, जो ट्राइबल है, उनको जो है अपातानी ट्राइब बोला जाता है। तो इनका जो गांव है ना, चारों ओर फैला हुआ है। बेसिकली ये ओल्ड ज़ीरो है, थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो जो पहाड़ दिखाई दे रहा है उसके नीचे जो है एक्चुअल ज़ीरो है। तो आसपास छोटे छोटे गांव सारे हैं, वो गांव में चलेंगे आज, और गांव में देखेंगे यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के ट्राइबल लोग हैं, वो लोग कैसे रहते हैं। तो उससे पहले मैं इंतज़ार कर रहा था कि धूप कब निकले, धूप निकलेगा तो थोड़ा सा मेरा टेंट सूख जाएगा, कैंप सूख जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ से कैंप पैक करेंगे भाई, पैक करके जो है यहाँ से निकलेंगे, किसी गांव की तरफ आगे चलेंगे, और कल जो है और एक नया जगह पे सुबह देखेंगे। तो ये ली है मैंने एक पराठा सुबह सुबह, ये लंच भी कह सकते हो और ये मेरा ब्रेकफास्ट भी कह सकते हो। ठीक है, नज़ारा देख के आप लोग अंदाज़ा हो जाएगा कि कल रात को यहाँ पे कितना ज़ोर से बारिश हुआ है, बड़ी भयंकर बारिश हुआ है रात भर। ये देखो यार, और ये आगे जिधर जो नज़र जा रहा है ना, सिर्फ पानी पानी दिखाई दे रहा है, खेती में जो है पानी हर तरफ भर चुका है। एक चीज़ बड़ा सही है यहाँ पे, कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छा है यहाँ पे। रोड देख रहे हो भाई, पूरा चकाचक है, और रोड पूरा, ये जो रोड देख रहे हो ना, पूरा ईटानगर तक है। बीच बीच में कहीं कहीं जगह पे जो है 5 मिनट 10 मिनट तक खराब है, बाकी रोड जो है बहुत ही अच्छा है। तो कम्युनिकेशन इसके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है यहाँ पे। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर पहली बार किसी एरिया में आया हूँ जहाँ पे जो है रोड और कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छा है। यहाँ पे बसेस मिल जाएगा आपको, टैक्सीज मिल जाएगा, शेयर टैक्सीज जिसे कहते हैं, सुमो होता है यहाँ पे, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा कम्युनिकेशन का। लैंडस्लाइड होने का इस एरिया में थोड़ा चांसेस कम है, क्योंकि रोड बहुत अच्छी तरह से बनाए हुए हैं। तो बारिश के टाइम पे अगर भी कोई आएगा यहाँ पे तो कोई दिक्कत होगा नहीं। बात कर रहा हूँ, अभी जो है अप्रैल, आज मिड अप्रैल है ये, और यहाँ पे भाई मौसम कुछ 12-14 डिग्री के आसपास है, धूप खिला हुआ है, पर यहाँ पे कभी भी बारिश आ जाता है। देख रहे हो भाई, कल रात को यहाँ पे बड़ी भयंकर बारिश हुआ है। ये देखो पानी अब तक आ रहा है, कल रात का पानी अब तक आ रहा है, सोचो दिन का 9 बजने वाला है। सो मेरे दोस्तों, जाते जाते कहना ये है, हंसते रहिए, क्या ही बता आपका, सीधे किसी और का दिन बन जाए। जय हिंद।